छत्रपति शिवाजी पर दिया गया बयान कोश्यारी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है, यहां तक कि बीजेपी के लिए भी जवाब देना बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि तमाम विपक्षी दल तो एकजुट नजर आ ही रहे हैं। उधर श्रद्धा वालकर केस की जांच पुलिस ने अब इस एंगल से शुरू की है कि कहीं आरोपी आफताब ने उसकी साजिशन हत्या तो नहीं की। पहले श्रद्धा और आफताब का दिल्ली आने का कोई प्लान था ही नहीं, अचानक से प्लान बना और मेहरौली के फ्लैट में आने के 3 दिन के बाद ही श्रद्धा की हत्या हो गई। उधर आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट आज भी पूरा नहीं हो पाया। श्रद्धा वालकर केस में दिल्ली पुलिस के हाथ अब तक एक पुख्ता सबूत नहीं लगा है। इसका सबूत है ये तस्वीर है। महाराष्ट्र पहुंचकर दिल्ली पुलिस भायंदर की इस खाड़ी में से आफताब पूनावाला के खिलाफ सबूत खोज रही है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने सबूत के लिए दिल्ली के मैदानगढ़ी के तालाब का पानी खाली कराने की सोची थी, पर वो प्लान बाद में कैंसिल करना पड़ा। क्या भायंदर की इस विशाल खाड़ी में से पुलिस के हाथ कुछ लग पाएगा या गुरुवार को लगा, इस बारे में जानकारी नहीं मिली है। दिल्ली पुलिस सबूतों की तलाश में हिमाचल और उत्तराखंड भी जा चुकी है। दिल्ली पुलिस और वसई पुलिस जो है पिछले 1.5 से 2 घंटे से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन कर रही है भायंदर की खाड़ी में। और जैसा कि हमें सूत्रों द्वारा पता चला है कि आफताब ने श्रद्धा का मोबाइल और कुछ अहम सुराग जो हैं वो यहाँ पर मिटाने की कोशिश की थे, उन्हें इस खाड़ी में फेंक दिया था, जिसकी तलाश अब दोनों टीमें जो है मिलकर कर रही है। इस सर्च ऑपरेशन को करने के लिए स्थानिक मछुआरों की भी मदद ली जा रही है। पुलिस ने 2 टीमें यहाँ पर बनाई है, दोनों अलग अलग जगह पर इसकी तलाश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक आफताब ने दिल्ली पुलिस को बताया है कि उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के लिए 1 से ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने आफताब के मेहरौली स्थित फ्लैट में से 5 चाकू बरामद किए हैं, जिनकी लंबाई 5 से 6 इंच है और धार काफी तेज है। ये किचन वाले चाकू जैसे नहीं लग रहे, अब इन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या आरोपी आफताब ने श्रद्धा की बॉडी काटने के लिए इन्हीं चाकुओं का इस्तेमाल किया था। श्रद्धा की बॉडी के 35 टुकड़े हुए, पर इस केस में पुलिस अब तक एक भी हथियार बरामद नहीं कर पाई है। फिलहाल दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, कई सारे ऐसे लोगों से भी पुलिस ने पूछताछ की, उनके स्टेटमेंट दर्ज किए हैं जो श्रद्धा को और आफताब को करीब से जानते थे। लेकिन फिलहाल अभी तक पुलिस के हाथ अगर हम कहें तो ऐसा कोई सबूत नहीं लगा है जिसके आधार पर वो ये कह सकें कि हाँ ये सबूत काफी है। आफताब की निशानदेही पर पुलिस को दिल्ली में एक जबड़ा और एक टूटा हुआ दांत मिला है। अगर ये श्रद्धा का निकला तो पुलिस के पास आरोपी आफताब के खिलाफ एक अहम सबूत हो जाएगा। वसई के डेंटिस्ट डॉक्टर ईशान मोटा के पास श्रद्धा 2-3 बार रूट कैनाल के लिए गई थी, उस समय उसके साथ आफताब भी था। दिल्ली पुलिस इनके पास से श्रद्धा का मेडिकल रिकॉर्ड ले आई है। अराउंड 2 से 3 बार आफताब भी आया हुआ था यहाँ पे, बाकी टाइम वो अकेले आई है। इसके अलावा ट्रीटमेंट के रिलेटेड ही हम लोग बात करते थे हमेशा, इसके अलावा और कुछ पर्सनल बात कभी भी कुछ हुई नहीं है। सर यहाँ आकर क्या पुलिस ने आपसे इस बारे में कोई पूछताछ की है, दिल्ली पुलिस या वसई पुलिस ने? जो भी ट्रीटमेंट रिकॉर्ड्स थे उनके वो सारे मैंने पुलिस के साथ शेयर किए हैं। दिल्ली पुलिस इस एंगल से भी श्रद्धा केस की जांच कर रही है कि कहीं आरोपी ने श्रद्धा की हत्या साजिश रच के तो नहीं की, क्योंकि पुलिस को ये पता चला है कि इस साल मार्च अप्रैल में आफताब और श्रद्धा मुंबई से सिर्फ हिमाचल और उत्तराखंड घूमने के प्लान से ही आए थे, उनका दिल्ली आने का कोई प्लान नहीं था। हिमाचल में आफताब को बद्री नाम का शख्स मिला था जो दिल्ली के छतरपुर का रहने वाला है, और उसके बाद आफताब ने दिल्ली आने का प्लान बना लिया। 8 मई को आफताब श्रद्धा के साथ दिल्ली आता है, दोनों पहाड़गंज के एक होटल में रुकते हैं, फिर बद्री की मदद से आफताब छतरपुर में किराए पर फ्लैट लेता है। और फ्लैट ठीक हत्या के 10 दिन पहले ही लिया था, तो यदि उसने फ्लैट ऐसी जगह पर लिया जहां से जंगल, मेहरौली का जंगल और मैदानगढ़ी का तालाब कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये पूरी घटनाक्रम, ये पूरी हत्या हीट ऑफ द मूवमेंट के तहत कैसे हो सकती है? अब ये भी संभव है कि हीट ऑफ द मूवमेंट वाला बयान आफताब का कोर्ट में उसके विरुद्ध इस्तेमाल किया जाए, लेकिन पूरी तस्वीर तभी साफ होगी जब आफताब का नार्को टेस्ट होगा, नार्को टेस्ट के नतीजे सामने आएंगे। मंगलवार को पुलिस को आफताब पूनावाला की 2 दिन की रिमांड मिली थी।
दो दिन निकल गए हैं, दो दिन बाकी है। अब पुलिस आरोपी की रिमांड नहीं ले पाएगी, पुलिस को सबूत ढूंढने में तेजी दिखानी होगी। पॉलीग्राफ टेस्ट शुक्रवार को भी जारी रहेगा, इसके बाद आरोपी का नार्को टेस्ट करवाया जाएगा, जो पुलिस के मुताबिक जुडिशियल कस्टडी में रहने के दौरान भी हो सकता है। मुंबई से रितेश त्रिपाठी, हिमांशु मिश्रा, वरुण सिन्हा और अरविंद ओझा के साथ तेजश्री पुरंदरे, दिल्ली आज तक।